वेलकम टू व्यूअर अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ प्रयोजनवाद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले के कुछ वीडियोस हैं वो आ चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोजनवाद के अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट करते हुए इसके शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रयोजनवाद का अर्थ परिभाषा बताने के बाद हमें प्रयोजनवाद का और शिक्षा दर्शन में महत्व बताना है, ये बताना है कि किस तरह से शिक्षा दर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद का अर्थ एवं परिभाषा देखिए। प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है। कहां से? ग्रीक भाषा का शब्द है ये, कौन सा शब्द है? प्रैग्मा, उससे प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किया गया कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। ठीक है, कुछ विद्वानों का मत है कि प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक अन्य शब्द यानी कि प्रैग्मेटिकोज से हुई है। इसका अर्थ होता है व्यवहारिक प्रयोग या क्रिया। ठीक है, क्या क्या अर्थ होता है इसका? व्यवहारिक प्रयोग या क्रिया। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि प्रैग्मा से इसकी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे देखिए दो शब्द आपको मिले हैं, ठीक है, दोनों ही ग्रीक लैंग्वेज के हैं। तो अगर आप कोई लाइन भूल भी जाते हैं तो कोई नहीं है, आप यहाँ तक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ विद्वानों का मत वाली जो यहाँ से यहाँ तक की लाइन, अगर आप भूल भी जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बार बार आप प्रैग्मेटिज्म और प्रैग्मा और प्रैग्मेटिकोज में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए भूला भी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इन दोनों व्युत्पत्तियों के आधार पर प्रयोजनवाद का अर्थ हुआ व्यवहारिकता। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दोनों में समान है वो क्या है? व्यवहारिकता। ठीक है, यानी कि किस तरीके का व्यवहार किसी के साथ किया जाएगा वो हम प्रयोजनवाद में जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं कार्य अथवा सिद्धांतों को सत्य मानती है जो किसी देश काल और परिस्थिति में व्यवहारिक अथवा उपयोगी हो। यानी कि प्रयोजनवाद किस चीज को सही मानेगी? उस चीज को जो किसी देश काल यानी कि किसी निश्चित समय में या निश्चित परिस्थिति में व्यवहार में लाए गए या उपयोग किए गए। ठीक है, उन्हीं कार्यों को उन्हीं चीजों को प्रयोजनवाद सत्य मानता है। प्रयोजन और उपयोगिता पर बल देने वाले इसे प्रयोजनवाद कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रयोजनवाद में क्या है? प्रयोजन और उपयोगिता पर बल दिया जाता है। इसे प्रयोगवाद इसलिए कहा जाता है, प्रयोजनवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोगवाद इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानता है। यानी कि ये क्या है, अगर आपने किसी चीज का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है, तो उस चीज को ये सत्य नहीं मानेगा, आपका प्रयोग करने पर जो रिजल्ट मिला है, ठीक है, उसे ही ये सत्य मानेगा, इसलिए इसे प्रयोगवाद भी कहा जाता है। ठीक है, जब किसी कार्य का मूल उसके फल या परिणाम के आधार पर आता जाता है, यानी कि जब कोई काम हुआ, ठीक है, उसका जो मूल्य है यानी कि उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है, ठीक है, अगर उसके आधार पर हमने उस कार्य का मूल्य नापा, यानी कि कोई हमने काम किया, ठीक है, उसका जो हमें रिजल्ट मिलता है उसी के आधार पर हमने उसका रेट प्राइस तय कर दिया, ठीक है, तो उसे फलवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलवाद कहा जाता है, यानी कि उसका इतने ही महत्व हमने बता दिया। ठीक है, व्यक्ति का व्यवहार अनुभव के द्वारा होने से इसे अनुभववाद या व्यवहारवाद कहा जा सकता है। यानी कि इसमें क्या है, व्यक्ति का व्यवहार अनुभव के द्वारा, यानी कि उसके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आएगा, उसका जो व्यवहार होगा वो एक अनुभव से तय होगा। ठीक है, अगर कोई आपके संग अच्छा करता है तो आप सारी जिंदगी अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपसे कभी कोई बुरा इंसान टकराया ही नहीं। और अगर आप किसी बार बार बुरे इंसान टकरा रहे हैं तो आपके लिए तो दुनिया बुरी हो जाएगी, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाएंगे आसानी से, आप ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपके व्यवहार में जो आपका अनुभव होता है, ठीक है, उसी के द्वारा आप तैयार होते हैं कि आप एक उस तरह के व्यक्ति बनते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या कहा जाता है, अनुभववाद भी कहा जाता है, व्यवहारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि इसके अन्य नाम क्या क्या है। प्रयोजनवाद को क्या क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद कहा जाता है, फलवाद कहा जाता है, अनुभववाद कहा जाता है और व्यवहारवाद भी कहा जाता है। ठीक है, यह जीवन की व्यवहारिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, जो भी हमारा व्यवहार होता है, उसी से क्या है, यह उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद कोई सैद्धांतिक विचारधारा न होकर व्यवहारिक विचारधारा है। ठीक है, यानी कि प्रयोजनवाद जो है वो सिद्धांतों पे आधारित विचारधारा नहीं है। ये नहीं है कि उसमें कुछ सिद्धांत है, वो व्यवहार में लाई जाने वाली विचारधारा है। यानी कि किस तरह का आपके संग व्यवहार हुआ है और आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं, उससे ये विचारधारा तय होती है, ना कि सिर्फ सिद्धांतों के बेस पे कि हमारे पास लिखा है, किसी ने सिद्धांत दे दिया, किसी ने बता दिया, तो वैसे हमारे पास ये विचारधारा आ रही है। ठीक है, तो हेडरसन का मत है कि प्रयोजनवाद के अनुसार यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है
तो वह उसे सत्य बनाती है, अर्थात उसकी कार्य प्रणाली उसे सत्य बनाती है। किसी भी सिद्धांत की सत्यता उसकी दक्षता से जानी जाती है जिसके द्वारा यह कार्य हो अथवा जिससे यह मानव की क्रिया को मानवीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशन का कार्य कर सके। यानी प्रयोजनवाद के अनुसार यदि कोई बात अनुभव में कार्य करती है, यानी कि आप कोई बात के लिए जब काम करते हैं और आपको जो अनुभव मिलता है तो वह सत्य बनाती है, यानी कि उससे क्या है, एक सत्य तैयार होता है, उसके कार्य प्रणाली उसे सत्य बनाती है, यानी कि आपने जो काम किया ठीक है और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिला इससे पता चलता है कि क्या चीज बनी, सत्य बनी। किसी भी सिद्धांत की सत्यता उसकी दक्षता से जानी जाती है जिसके द्वारा यह कार्य हो अथवा जिससे वह मानव की क्रियाओं को मान्य उद्देश्य प्राप्त करने का निर्देशन कार्य कर सके। आपने कोई काम किया ठीक है, आपने उस काम को किस तरह से किया, किस उद्देश्य से किया, आपको क्या परिणाम मिले और उन परिणामों से रिजल्ट जो निकला वो नेगेटिव था पॉजिटिव था, ये चीजें क्या है एक एक तरह से आपका एक अनुभव तैयार करती है ठीक है, और वही अनुभव क्या है, प्रयोजनवाद होता है ठीक है। आगे देखिए रॉस के अनुसार प्रयोजनवाद अनिवार्यतः मिलाप करने वाली मनोवृत्ति है, इसे आदर्शवाद और प्रगतिवाद का मध्य वर्ग कहा जाता है। ये चीज ध्यान याद रखिएगा कि जो प्रयोजनवाद होता है इसे आदर्शवाद और प्रगतिवाद का मध्य वर्ग कहा जाता है, यानी कि इसके बीच का वर्ग कहा जाता है, यानी ना तो ये पूरी तरह आदर्शवाद है ना पूरी तरह प्रकृतिवाद है। ये लाइन याद रखिएगा क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन आ जाता है ठीक है, मैंने उस क्वेश्चन का भी आंसर करवाया है, मैं बताऊंगी अभी आपको, नीचे आएगा वो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसे ठीक है, याद रखिएगा इसे। प्रयोजनवाद अनिवार्यतः एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य कार्य करने में अपने मूल्यों का निर्माण करता है, सत्य अभी निर्माण की अवस्था में है और भविष्य में इसकी पूर्ति की संभावना होती है। प्रेट के शब्दों में प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत देता है। अर्थ का सिद्धांत यानी कि धन का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत हमें देता है और साथ ही यहाँ पे यथार्थ यानी कि सच्चाई का सिद्धांत भी हमें देता है। जैम्स के अनुसार प्रयोजनवाद एक अनुभववादी मनोवृत्ति है, यानी कि अनुभववादी सोच है, मनोवृत्ति मतलब सोच ठीक है। अनुभववादी यानी कि प्रयोजनवाद में क्या है, हमें अनुभव प्राप्त होता है पहले ठीक है। यह एक प्रकार की विधि है और इस विधि में कोई नवीनता नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें ठीक है। इस विधि के अनुसार व्यवहारिक परिणाम के आधार पर प्रत्येक विचार की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि आपने किसी चीज को सोचा, व्यवहार में लाए ठीक है, उसके आधार पर आपका जो विचार तैयार हुए बस आप उसी की व्याख्या करेंगे ठीक है। तो ये किसने कहा, जेम्स ने कहा। अब देखिए प्रयोजनवाद और शिक्षा, यानी कि प्रयोजनवाद का शिक्षा पर प्रभाव ठीक है। ऋग्वेदा के शब्दों में प्रयोजनवादी सामाजिक मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, समाज सम्मिलित रूप से प्राप्त अनुभव का ढंग है, यानी कि देखिए प्रयोजनवादी सामाजिक मूल्यों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, यानी कि प्रयोजनवाद को मानने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सामाजिक मूल्यों को ज्यादा महत्व देते हैं ठीक है। सामाजिक सम्मिलित समाज सम्मिलित रूप से प्राप्त अनुभव का ढंग है, यानी कि समाज में अगर आप रहते हैं तो सम्मिलित रूप से आपको अनुभव प्राप्त होगा ठीक है। सामाजिक कार्यों में भाग लेना सबसे महत्वपूर्ण ढंगों में से एक है जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है। इसी प्रकार डॉक्टर प्रेमनाथ ने क्या कहा है कि शिशु का व्यक्तित्व शिक्षक के व्यक्तित्व से धुंधला ना होने पाए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा आता है। देखिए आप क्या है, आप अगर एक क्लास अटेंड करते हैं ठीक है, आपसे छोटे हैं बच्चे, आपको अनुभव है, आपने सब कुछ कर रखा है तब आप उन्हें वहां पढ़ाने गए, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को इतना महत्वाकांक्षी दिखाएं, इतना अच्छा दिखाएं कि बच्चा अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगे ठीक है, कि उसका व्यक्तित्व क्या हो, धुंधला होने लगे ठीक है। वह स्कूल व खेल के मैदानों में शिशुओं को अवसर प्रदान करता है। आदर्शवाद से भिन्न शिक्षक का अधिकार उपयोगितावाद की सेवा के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। सामाजिक रूप से बालक एवं अध्यापक दोनों का स्तर समान होता है ठीक है, यानी कि दोनों का स्तर समान है, बालक और अध्यापक दोनों एक समान होते हैं। बस क्या है कि टीचर को क्या है, अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, साथ ही क्या है उनकी उपयोगिताओं को निखारना चाहिए, उनमें जो टैलेंट हो उसे बाहर निकालना चाहिए ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद का आधुनिक शिक्षा में क्या महत्व है। दर्शन के रूप में नहीं वर्ण मतलब होता है बल्कि ठीक है, व्यवहार के रूप में प्रयोजनवाद ने आधुनिक शिक्षा पर बहुत प्रभाव डाला है। शिक्षा एक व्यवहारिक कला है और व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोजनवाद से पुनः निर्माण में बहुत सहायक हुआ है। देखिए
दर्शन के रूप में नहीं देखा गया, हम व्यवहार के रूप में प्रयोजनवाद ने जो है, मतलब दर्शन पे तो इसने प्रभाव नहीं डाला लेकिन व्यवहार के रूप में प्रयोजनवाद ने क्या है आधुनिक शिक्षा पे प्रभाव डाला है। ठीक है, शिक्षा क्या है, एक व्यवहारिक कला है क्योंकि हम उसे व्यवहार में लाते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टि से प्रयोजनवाद से इसका क्या होता है, पुनः निर्माण होता है। ठीक है, महत्व देखिए इसका, पहला है समाज शिक्षा संस्थानों को अपने आदर्शों की पूर्ति के लिए स्थापित करता है, अतः शिक्षा संस्था समाज के बंधु रूप है। दूसरा देखिए, शिक्षा जीवन केंद्रित हो और एक प्रगतिशील समाज में वह भी प्रगति का परिचय दे। नेक्स्ट है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज का पोषण है। नेक्स्ट है, शिक्षा के निकट के उद्देश्य बहुत महत्व रखते हैं और उनकी प्राप्ति के लिए शिक्षण विधियां प्रगतिशील हो। नेक्स्ट है, शिक्षा व्यापक रूप से विकास वृद्धि या व्यवहार परिवर्तन का रूप लेती है। नेक्स्ट है, परंपरागत रूढ़िगत तथा कठोर विधियों व विचारों को शिक्षा में लाकर एक लचकदार समाज में एक लचकदार शिक्षा की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा बालक की नैसर्गिक प्रवृत्तियों रुचियों शक्तियों आदि को केंद्र बनाकर दी जाए परंतु उसको साथ ही साथ सामाजिक रूप भी दिया जाए। आगे देखिए, नेक्स्ट है, शिक्षा जीवन की तैयारी ही नहीं जीवन का लक्ष्य है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीवन की तैयारी शिक्षा के माध्यम से करते हैं, हम जीवन का लक्ष्य भी शिक्षा के माध्यम से ही पता चलता है। भविष्य अनिश्चित है अतः वर्तमान अधिक मूल्य रखता है। शिक्षा द्वारा बालकों का वह गुण ज्ञान मनोकृत्या व कौशल दिए जाए जो उन्हें एक बदलते हुए समाज में परिस्थितियों के अनुकूल अपना समाज में स्थान लेने योग्य बनाए। नेक्स्ट है, ज्ञान की उत्पत्ति क्रिया से होती है, क्रिया प्रधान है, सफलतापूर्वक क्रिया का संपादन करने के लिए वह ज्ञान आता है और बालक क्रिया द्वारा सीखता है। नेक्स्ट है, जनतांत्रिक समाज के लिए जनतांत्रिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर एक जनतांत्रिक समाज हमें तैयार करना है तो उसके लिए बच्चों को भी जनतांत्रिक शिक्षा में देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद का शिक्षा में योगदान बताइए। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे प्रयोगवाद के गुण आपको बताने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में गुण लिख दिया है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा गया है, प्रयोजनवाद का मूल्यांकन कीजिए, और इस तरह से भी पूछा गया है प्रयोजनवाद के गुण तथा दोषों को समझाइए। अब यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा कि प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है, तो प्रयोगवाद के नाम से आ जाए, प्रयोजनवाद के नाम से आ जाए, व्यवहारिक वाद के नाम से आ जाए, किसी भी नाम से आए आपको यही लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें इसके जो अलग नाम है वो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। तो प्रयोजनवाद का मूल्यांकन देखिए, गुण देखिए, पहले बालक शिक्षा का केंद्र होता है, क्रिया करने पर बल दिया जाता है, योजना पद्धति का निर्माण किया जाता है, व्यवहारिक जीवन की तैयारी होती है, उपयोगिता पर विशेष बल दिया जाता है, सामाजिक जीवन की तैयारी होती है और लोकतांत्रिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके दोष देखिए, सत्य एवं मूल्यों का विरोध किया जाता है, आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना की जाती है, मानवीय आदर्शों की अवहेलना की जाती है, भूत की उपेक्षा की जाती है, सांस्कृतिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है, शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों की अवहेलना की जाती है और सत्य को परिवर्तनशील बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद में शिक्षक की भूमिका बताइए। यानी कि जो प्रयोजनवाद है या प्रयोगवाद है, शिक्षक की इसमें क्या भूमिका रहती है। ठीक है, यहाँ देखिए, प्रयोगवाद में शिक्षक की भूमिका, प्रयोजनवादी बच्चों को सूचनाएं देने के पक्षधर नहीं है। यानी कि यहाँ बच्चों को सूचनाएं नहीं दी जाती हैं। प्रयोजनवादियों के अनुसार बच्चे स्वयं ज्ञान की खोज करें, ज्ञान की खोज करने में अध्यापक सक्रिय निरीक्षक और पथ प्रदर्शक का कार्य करें। यानी कि जब कोई बच्चा ज्ञान की खोज करने जाए, मतलब किसी अनुभव को प्राप्त करने जाए, तो अध्यापक का काम कितना है कि वो उसे निरीक्षक करे, यानी कि वो उसे बताए कि वो किस तरह से इसका इसकी खोज कर सकता है, उसके पथ प्रदर्शक बने, उसकी सहायता करे उस खोज को पूरा होने में। ठीक है, प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक के कार्यों रुचियों और योग्यता आदि को प्रमुखता प्रदान करते हैं, परंतु वे शिक्षण के दायित्व और महत्व को कम नहीं करते हैं। उनके अनुसार अध्यापक का स्थान पथ प्रदर्शक एवं सलाहकार का है। अध्यापक बच्चों को ज्ञान देने के स्थान पर उन्हें ऐसा पर्यावरण प्रदान करें कि वह सही निर्णय निकालने में समर्थ हो। यानी कि आप बैठे से उन्हें किताबी ज्ञान ना दे, उन्हें क्या करें, पर्यावरण में लेके जाए। अगर उन्हें किसी चीज की खोज करनी है तो वही उस रास्ते को लेके जाए, उस जगह पे लेके जाए, उसे कहें कि यहाँ पे तुम ढूंढोगे तो तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। ठीक है,
एक कुशल शिक्षक ही सुसंगठित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के द्वारा बालकों में वांछित सामाजिक आदर्शों का निर्माण कर सकता है। अध्यापकों को चाहिए कि वे बालकों को समस्याओं के प्रति संवेदनशील और हल ढूंढने के लिए क्रियाशील बनाएं, जिससे वे अपने जीवन की किसी भी समस्या को हल कर सकें। शिक्षक विद्यालयों में उच्च सामाजिक पर्यावरण की सच्चता ही नहीं अपितु बच्चों के लिए वह स्वयं पर्यावरण होता है। अतः शिक्षक को विवेकशील और व्यवहार कुशल होना चाहिए। शिक्षक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। शिक्षक में बालकों को अपनी समस्या के समाधान के लिए प्रेरित करने और उन्हें सहयोग प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षक को सतर्कता से कार्य करना चाहिए। उसे बच्चों के साथ सदैव प्रेम और सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी कि आपको बच्चों की हमेशा मदद करनी चाहिए। उनके पास बहुत सारी समस्याएं होती है। देखिए, कोई भी जब हम काम करने जाते हैं, ठीक है, तो हमें अनुभव जो मिलता है उससे पहले हमारे पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, उन समस्याओं का हमें समाधान ढूंढना चाहिए, ठीक है। और उसमें समाधान ढूंढने में क्या है, अध्यापक का काम क्या है कि वो उनकी मदद करे, ठीक है, हमेशा सतर्क रहे और उन्हें सतर्कता से कार्य करना बताए, यानी कि बिना लापरवाही के कार्य करना सिखाए, ठीक है। साथ ही बच्चों के साथ हमेशा प्रेम और सहानुभूति वाला व्यवहार रखे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी जो बात है वो बिना आपसे डरे, बिना आपसे झिझके शेयर कर पाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप उनका अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोजनवाद को आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती दर्शन क्यों कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसे इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, या तो आपसे अंतर पूछ सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रयोजनवाद आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती दर्शन क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत प्लीज, ठीक है। तो इसे देखिए, प्रयोजनवाद को आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद का मध्यवर्ती दर्शन कहा जाता है, क्योंकि यह ना तो पूर्णतः प्रकृतिवाद से मेल रखता है और ना ही आदर्शवाद से, यानी कि ना तो ये पूरा प्रकृतिवाद है और ना ही पूर्णतः आदर्शवाद है। प्रयोजनवाद प्रकृतिवादियों की तरह शरीर को महत्वपूर्ण मानता है, किंतु वह शरीर को सब कुछ नहीं मानता। यह प्रकृतिवादी दर्शन से आगे बढ़ता हुआ मनस तक पहुंचता है, मनस यानी कि मन तक पहुंचता है, किंतु यहाँ भी वह प्रकृतिवाद से बिल्कुल संबंध विच्छेद नहीं करता, यानी बिल्कुल प्रकृतिवाद से अलग नहीं होता और मनस को शरीर का विकसित रूप बताकर, यानी कि मन को शरीर का विकसित रूप बताकर आदर्शवाद तक नहीं पहुंचता, किंतु अनुभव को प्राथमिकता देकर आगे अवश्य बढ़ता है। यानी कि वो क्या है, यहाँ पे प्राथमिकता किसे देता है, अनुभव को प्राथमिकता देता है। ऐसा नहीं है कि वो शरीर का विकसित रूप बताकर वो उसे क्या है, आदर्शवाद पर पहुंचे, आदर्शवाद तक वो नहीं पहुंचता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रयोजनवाद के सिद्धांत प्रकृतिवाद से ऊपर उठते हैं लेकिन आदर्शवाद तक नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयोजनवाद कहाँ रह गया, बीच में रह गया, जो प्रकृतिवाद से शुरू तो होगा लेकिन आदर्शवाद तक नहीं पहुंचेगा। प्रयोजनवाद के आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद के मध्यवर्ती होने के कारण कुछ तथ्यात्मक स्पष्टीकरण सिद्धांत निम्नलिखित हैं। यानी कि देखिए, आपसे अगर अंतर यहाँ पे पूछा जाता है तो आप अपनी सूझबूझ से इन तीनों में अंतर यहाँ पे बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों के अंतर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपसे जिस तरह से पूछे जाएंगे आप उस तरह से बताएंगे, जिन दो के बीच में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला देखिए, आदर्शवाद व्यक्तित्व के निर्माण की बात करता है, यानी कि आदर्शवाद क्या कहता है कि व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए। प्रकृतिवाद मशीनीकरण की बात करती है, मशीनीकरण के निर्माण की बात करती है, जबकि प्रयोजनवाद इन दोनों के मध्य विचारधारा को अपनाते हुए मानव विकास पर बल देता है। किस पर बल देता है, मानव विकास पर। नेक्स्ट है, आदर्शवाद आत्मा पर विश्वास करता है, प्रकृतिवाद शरीर पर विश्वास करता है, जबकि प्रयोजनवाद अनुभव और मन को सत्य मानता है। यानी कि वो किस पर विश्वास करता है, अनुभव और मन पर विश्वास करता है। आदर्शवादियों के लिए मानव जीवन का उद्देश्य चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, प्रकृतिवादियों के लिए जीवन निरुद्देश्य है, यानी कि कोई उद्देश्य ही नहीं है, जबकि प्रयोजनवादियों के लिए मनुष्य जीवन के उद्देश्य छोटे छोटे तत्कालिक प्रयोजनों की प्राप्ति है, यानी छोटे छोटे अनुभवों को इकट्ठा करना है। नेक्स्ट है, आदर्शवादियों के लिए सत्य आध्यात्मिक है, प्रकृतिवादियों के लिए जड़ है, जड़ यानी कि रूढ़ है, ठीक है, जबकि प्रयोजनवादियों के लिए सत्य मानव निर्मित है, यानी कि आप जो बना दे वो सत्य, आपका जो अनुभव है वो सत्य, ठीक है।
नेक्स्ट है आदर्शवादी पाठ्यक्रम शाश्वत मूल्य है, तो प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम भौतिक जगत की जानकारी, जबकि प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम उपयोगी विषयों का ज्ञान है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आदर्शवाद में अध्यापक देव तुल्य है, यानी कि आदर्शवाद में देवता रूपी रखा गया है, यानी कि देव के बराबर रखा गया है अध्यापक को, अर्थात प्रमुख रखा गया है। तो प्रकृतिवाद में अध्यापक गौण है, जबकि प्रयोजनवाद में अध्यापक मित्र एवं पथ प्रदर्शक की भांति है, यानी कि या तो अध्यापक कैसे हैं मित्र हैं या फिर पथ प्रदर्शक यानी कि सलाहकार रहे हैं। नेक्स्ट है आदर्शवादी शिक्षण विधि आदर्श केंद्रित होती है, प्रकृतिवादी शिक्षण विधि बाल केंद्रित होती है, जबकि प्रयोजनवादी शिक्षण विधि समस्या केंद्रित होती है, यानी कि यहाँ पे ना तो शिक्षक केंद्र है ना बालक केंद्र है, यहाँ पे समस्या को केंद्र में रखा गया कि जो समस्या है उसका समाधान ढूंढना है, किस तरह से ढूंढना है बालक को खुद ढूंढना है, लेकिन उसमें उसकी मदद कौन करेगा, उसका शिक्षक जो कि उसका पथ प्रदर्शक बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।